तो अब आ जाते हैं एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस पर। तो इसमें क्या है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद एथिक्स की डेफिनेशन देखेंगे। एथिक्स की डेफिनेशन में जो स्पेसिफिकली टर्म्स यूज़ हुए हैं, वैल्यूज़ नॉर्म्स और कंडक्ट, वैल्यूज़ नॉर्म्स और कंडक्ट, उसको देखेंगे। उसके बाद फिर से शुरू करेंगे कि एथिक्स की डेफिनेशन, एथिक्स के डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, कंपैरिजन, फिर हाउ टू डिटरमाइन वेदर एन एक्ट इज़ मॉरल और नॉट। फिर नेक्स्ट चीज़ हो जाएगी एथिक्स इन पब्लिक लाइफ, प्राइवेट लाइफ, नीड ऑफ एथिकल सिस्टम, उसका इम्पैक्ट क्या होता है, मॉरल प्रोग्रेस, डायमेंशन ऑफ एथिक्स कितना सही है, तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं एथिक्स के इंट्रोडक्शन पे। तो ग्राउंड टू डिफाइन एथिक्स, तो एथिक्स को आप फिलॉसफी के भी बेसिस पे डिफाइन कर सकते हो, सोशल साइकोलॉजी के बेसिस पे भी डिफाइन कर सकते हो। फिलॉसफी में अगर हम देखें तो तीन चीज़ें होती हैं, ईएमई, एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स और एथिक्स फिलॉसफी में। तो फिलॉसफी में जो एपिस्टेमोलॉजी है वो ये बोलती है कि नॉलेज का सोर्स क्या है, ठीक है, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ नॉलेज। मेटाफिजिक्स क्या है, फिलॉसफी ऑफ रियलिटी से रिलेटेड है कि गॉड क्या है, सोल क्या है, वर्ल्ड क्या है। और एथिक्स जो है वो दो चीज़ों से पूछता है, एक तो लाइफ का ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, और उस पर्पस को कैसे अचीव किया जाए, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ और क्या तरीका है उस पर्पस को अचीव करने का, ठीक है। तो फिलॉसफी में यही तीन चीज़ें हैं, एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स और एथिक्स। तो फिलॉसफी की डेफिनेशन से चलें तो एथिक्स का ये मतलब है कि पर्पस ऑफ लाइफ और वेज टू अचीव इट। फिर एथिक्स एज अ सोशल सिस्टम, एथिक्स एज अ सोशल सिस्टम अगर हम देखें तो सोसाइटी, फिर सोसाइटी के सब सिस्टम, फिर मेथड टू कंट्रोल, सोशल कंट्रोल और सोशलाइजेशन। सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी इज़ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ सब सिस्टम्स। जैसे ह्यूमन बॉडी बहुत ढेर सारे ऑर्गन से बनी है, वैसे ही सोसाइटी क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे सब सिस्टम से बनी हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल, सोशल कंट्रोल के लिए कुछ सिस्टम होगा, पॉलिटिकल सिस्टम होगा, सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग के लिए कुछ, इकोनॉमिक सिस्टम होगा। तो इस तरह से सोसाइटी बहुत छोटे छोटे सब सिस्टम से बनी हुई होती है। इसे GS1, GS2, GS3 से भी याद रख सकते हैं। देन मेथड्स ऑफ सोशल कंट्रोल, तो सोशल कंट्रोल के लिए क्या मेथड है, अगर लोगों को आपको कंट्रोल करना है तो दो तरह से कर सकते हो, एक तो पॉजिटिव वे में कि उन्हें सोशलाइज ही करो कि वो अच्छे लोग बने, और दूसरा क्या है कि अगर वो कुछ गलत करते हैं तो उनके ऊपर सैंक्शंस लगाओ। तो सोशलाइजेशन में क्या है कि मेक अ सोशल चाइल्ड इनटू सोशल बीइंग, बच्चे जो होते हैं ए सोशल होते हैं और उन्हें एक सोशल बीइंग में बनाना है, प्लस उनका सुपर ईगो डेवलप करना है। तो जब हम सोशलाइज़ करते हैं बच्चों को, तो बच्चों में शुरू में बहुत ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, बच्चे बड़े सेल्फिश होते हैं, लेकिन हम उन्हें सोशलाइज़ करते हैं, दूसरों के बारे में केयर करना सिखाते हैं और उनका सुपर ईगो डेवलप करते हैं। तो इसमें दो तरह के सोशलाइजेशन होते हैं, एक प्राइमरी सोशलाइजेशन जो कि पेरेंट्स वगैरह करेंगे, सेकेंडरी सोशलाइजेशन जो दूसरे लोग करेंगे बच्चों का। सैंक्शंस की बात करें तो पॉजिटिव सैंक्शंस क्या होते हैं कि किसी ने कुछ अच्छा किया, सोसाइटी के नॉर्म्स को जो फॉलो करेगा उसे रिवॉर्ड देगी सोसाइटी। नेगेटिव सैंक्शन, अगर आप सोसाइटी के अगेंस्ट जाओगे तो आपको सोसाइटी पनिश करेगी। सोशलाइजेशन के टाइप्स की बात करें तो प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन। जो प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है वो अर्ली एज में आपकी फैमिली आपका सुपर ईगो डेवलप करने की कोशिश करती है, फिर लेटर लाइफ में स्कूल, और फिर बाद में आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, आपका फ्रेंड्स ग्रुप, पीयर ग्रुप, वो आपका सुपर ईगो डेवलप करते हैं। सेकेंडरी सोशलाइजेशन लेटर स्टेज में होता है, जिसमें कि क्या है कि ट्रेनिंग दी जाती है, डोमेन नॉलेज आपको दी जाती है, ठीक है, जब आप ट्रेनिंग लेते हैं, डोमेन नॉलेज लेते हैं, काम वगैरह करना शुरू करते हैं। तो इसमें बेसिक आइडिया लग गया कि एथिक्स को अगर फिलॉसफी के बेसिस पर डिफाइन करेंगे तो फिलॉसफी में तीन ब्रांच है, एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स और एथिक्स। तो फिलॉसफी की तीन ब्रांच में से एक ब्रांच है एथिक्स। फिर हमने सोसाइटी को डिस्क्राइब किया कि वो कई सब सिस्टम से बनी हुई होती है, सोशल कंट्रोल करने के लिए सोशलाइजेशन और सैंक्शन होता है, सोशलाइजेशन के टाइप प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन। अब आ जाते हैं एथिक्स की डेफिनेशन पर। तो एथिक्स क्या है, एक सोशल सिस्टम है जो कि क्या करता है, तीन चीज़ों को फॉर्मुलेट करता है, वैल्यूज़ को, नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट को, सॉरी, एथिक्स क्या है, इज़ अ सोशल सिस्टम विच फॉर्मुलेट्स वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट फॉर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, इट अटेम्प्ट्स टू रेगुलेट बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स अकॉर्डिंगली। मतलब एथिक्स एक सोशल सिस्टम है जो कि दो चीज़ों को फॉर्मुलेट करता है, एक वैल्यूज़ को और दूसरा नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट को, किसके लिए, सोसाइटी के मेंबर्स के लिए। और इसमें कोशिश क्या होती है, कोशिश यही होती है कि हर एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को इन्हीं वैल्यूज़ और नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट के हिसाब से रेगुलेट किया जाए, अदरवाइज सब अपने मन का करने लगेंगे तो सोसाइटी, ढेर सारे लोग साथ में एग्जिस्ट कर ही नहीं पाएंगे। अब टर्म्स यूज्ड इन डेफिनेशन ऑफ एथिक्स, एक तो वैल्यूज़ और नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट का यूज़ कर रहे हैं, तो वैल्यू पे आते हैं। तो वैल्यू में डेफिनेशन, एडिशनल टाइप्स ऑफ वैल्यूज़, क्या वैल्यू सब्जेक्टिव है, स्टैटिक है, फिर एवोल्यूशन। तो देखते हैं सबसे पहले वैल्यू की डेफिनेशन। वैल्यू का मतलब है मॉरल वैल्यू, मॉरल वैल्यू मतलब मॉरल आइडियल्स ऑफ सोसाइटी, मॉरल आइडियल्स ऑफ सोसाइटी, आइडियल मतलब स्टेट ऑफ बीइंग परफेक्ट।
तो मॉरली परफेक्ट चीज़ें जो हैं किसी सोसाइटी की, उसको ही बोले जाते हैं मॉरल वैल्यूज़। अब वैल्यू के फीचर्स क्या होते हैं? वैल्यू के फीचर्स 3, 6, 2, 8 फीचर्स हैं। आप एक दो याद रख सकते हो, लेकिन पढ़ आठों लो तो HV, दैट इज़ हायरार्की होती है वैल्यूज़ में। सारी वैल्यूज़ इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ बड़ी हैं कुछ छोटी हैं। दूसरी चीज़ है वर्चू रिलेटेड टू वैल्यू, वैल्यू और वर्चू रिलेटेड होती हैं। फिर वैल्यूज़ जो होती हैं डीप रूटेड होती हैं इंसानों में, जनरली वैल्यूज़ स्टेबल होती हैं, चेंज नहीं होती किसी इंसान की वैल्यू बहुत आसानी से। और वैल्यू का यूज़ करके आप, ये वैल्यू एक स्टैंडर्ड ऑफ इवैल्यूएशन है, किसी बंदे में कितनी अच्छी वैल्यूज़ हैं उसका यूज़ करके आप उस बंदे को इवैल्यूएट कर सकते हो। मॉरल आइडियल स्टैंडर्ड होती हैं, वैल्यू एब्स्ट्रैक्ट हैं, आप टच नहीं कर सकते इसको। और वैल्यूज़ सीखी जाती हैं, ऑटोमेटिकली नहीं होती हमें। अब टाइप्स ऑफ वैल्यूज़, तो मेजर क्लासिफिकेशन, माइनर क्लासिफिकेशन। मेजर क्लासिफिकेशन 6 हैं, TIPNFA। कुछ टर्मिनल वैल्यूज़ होती हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़। टर्मिनल वैल्यूज़ मतलब एंड गोल, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू मतलब वो वैल्यू जो आप अपने अंदर लाना चाहते हो इन टर्मिनल वैल्यू को अचीव करने के लिए। फिर कुछ पॉजिटिव वैल्यू होती हैं, कुछ नेगेटिव वैल्यूज़, कुछ फाउंडेशनल वैल्यूज़, कुछ एरिया स्पेसिफिक वैल्यूज़। फाउंडेशनल वैल्यूज़ मतलब जो हर जगह एक इंसान में होनी चाहिए, जो हर जगह उसे मदद करेंगी। और एरिया स्पेसिफिक वैल्यू वो वैल्यू है जो कि आप जब किसी जगह हो तो वहीं काम आएगी, ठीक है, वो आपके जॉब के हिसाब से वैल्यूएबल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप CIA के लिए काम करते हो तो वहाँ पर प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, ठीक है। माइनर क्लासिफिकेशन की बात करें तो माइनर क्लासिफिकेशन वैल्यूज़ का SR UP, दैट इज़ सेकुलर वैल्यूज़, रिलीजियस वैल्यूज़। फिर UP यानी यूनिवर्सल वैल्यूज़, पैरोकियल वैल्यूज़। अगली चीज़ एडिशनल, इज वैल्यू सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव? तो दिस और दैट नहीं। विकास द्विवेदी सर ने कई बार बताया कि बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो हमेशा कन्फ्यूजिंग भाषा में बात करता है, वो कभी हाँ या ना वाली भाषा में बात नहीं करता, क्योंकि रियलिटी भी ऐसी नहीं है यस या नो, कहीं बीच की है। तो उसको चीज़ों को किस पे देखना होता है? चीज़ों को हमको देखना होता है कंटिन्यूम में। तो वैल्यू सब्जेक्टिव होती है या ऑब्जेक्टिव होती है? तो और नहीं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव होती है, सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई ऐसी वैल्यू जो कि 100% ऑब्जेक्टिव हो, 0% सब्जेक्टिव हो, या 0% ऑब्जेक्टिव हो, 100% सब्जेक्टिव हो, या फिर हाईली ऑब्जेक्टिव, हाईली सब्जेक्टिव, या फिर इक्वली सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, तो इस तरह से। तो वैल्यू सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव नहीं होती है, सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव। सो कुछ वैल्यू मतलब ऐसे कुछ वैल्यूज़ जो होंगी जो हाईली ऑब्जेक्टिव होंगी, कुछ वैल्यू हाईली सब्जेक्टिव होंगी, कुछ में सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी इक्वल मात्रा में होगी। उसी तरह से वैल्यूज़ स्टैटिक होती हैं या डायनेमिक, तो अगेन 100% डायनेमिक, 0% स्टैटिक, 0% डायनेमिक, 100% स्टैटिक, डायनेमिक और स्टैटिक, मोर डायनेमिक वैल्यूज़, मोर स्टैटिक वैल्यूज़। तो ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हो कंटिन्यूम में चीज़ों को, आपको सबके एग्जांपल मिल जाएंगे। इवोल्यूशन, इनकल्केशन ऑफ वैल्यूज़, कि लोगों में वैल्यूज़ आती कैसी हैं, तो इसके पैरामीटर्स क्या हैं, कब आती है वैल्यू, कैसे आती है वैल्यू, कौन सी वैल्यू और उसका इम्पैक्ट क्या है। तो इन वैल्यूज़ के इनकल्केशन में सबसे ज़्यादा बड़ा रोल फैमिली का होता है, उससे कम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और सबसे कम सोसाइटी का। फैमिली का रोल सबसे ज़्यादा होता है इनिशियल लाइफ में, फिर जब आप 4 से 14 साल के होते हो तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का, और सोसाइटी तो आपको थ्रू आउट लाइफ इम्पैक्ट करती है। फिर अब कैसे, तो उसमें जो फैमिली है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टीचिंग आपको देती है, सिखाती है आपकी वैल्यूज़ इनकल्केट करवाने के लिए। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहाँ टीचर और पीयर ग्रुप्स आपकी मदद करते हैं वैल्यू इनकल्केट करने के लिए। और सोसाइटी को बंदा ऑब्जर्व करता है, सोशल सैंक्शन देखता है, सोशल रिवॉर्ड देखता है, उससे उसे पता चलता है कि मुझे कैसा बिहेवियर रखना है, ठीक है। अब फैमिली कैसी वैल्यू आपको देगी, जो फैमिली के पास जैसी वैल्यूज़ हैं वैसी वैल्यूज़ आप में ट्रांसफ़र करेगी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस पर डिपेंड करेगा कि किस टाइप का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वो वैसी वैल्यूज़ देगा। एक मदरसा अलग वैल्यू देगा, एक टेम्पल, एक हिंदू फैमिली में अलग वैल्यूज़ दी जाएंगी या टेम्पल में। बेस्ड ऑन सोशल ग्रुप, सम वैल्यूज़ कैन बी गुड और बैड। सोशल ग्रुप के बेसिस पे कुछ वैल्यूज़ अच्छी हो सकती हैं या बुरी हो सकती हैं। तो सोसाइटी से जो वैल्यू मिलेगी आपको, अच्छी वैल्यूज़ भी मिल सकती हैं, बुरी वैल्यूज़ भी मिल सकती हैं, ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि आपका सोशल ग्रुप कैसा है। फिर आ जाते हैं, अब आ जाते हैं नॉर्म्स के ऊपर। तो नॉर्म्स की डेफिनेशन, एवोल्यूशन, एडिशनल ओपिनियन ऑफ डियोंटोलॉजिस्ट और टीलियोलॉजिस्ट। तो नॉर्म्स की डेफिनेशन की बात करें तो दीज आर स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर इन अ गिवन सोसाइटी। तो नॉर्म्स क्या होते हैं, बिहेवियर का एक स्टैंडर्ड सेट है सोसाइटी में कि किस तरह से आपको बिहेव करना चाहिए, उसी को नॉर्म्स बोलते हैं। वैल्यूज़ तो ऑब्स्ट्रैक्ट हैं, ठीक है,
तो वैल्यू जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है उसको रियलिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, नॉर्म्स के थ्रू, दे आर शोन थ्रू एक्शन जिनको कि नॉर्म्स कहते हैं। तो वैल्यूज़ और नॉर्म्स रिलेटेड हो गए। फॉर एग्जांपल वैल्यू है कि रेस्पेक्ट करो एल्डर को, अब इसको ये तो पता नहीं है कौन सी चीज़ है, तो माइंड में है रेस्पेक्ट, लेकिन अगर इसको दिखाना हो अपने एक्शन में तो आप एल्डर्स के पाँव छूओगे, तो एल्डर्स के पाँव छूना नॉर्म्स है और रेस्पेक्टिंग एल्डर्स दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, वो एक वैल्यू है। अब इवोल्यूशन, नॉर्म्स डेवलप कैसे होते हैं, तो सात स्टेजेस हैं नॉर्म्स की डेवलप होने की, IA, GST, MSL। सबसे पहले कोई एक पहला इंडिविजुअल होता है जो कि इनोवेट करता है, सबसे पहला कोई बंदा होगा जिसे लगा होगा कि एज अ रेस्पेक्ट मुझे बड़ों की पहुँच होनी चाहिए। फिर उसे एक्सेप्टेंस मिल गया होगा, ठीक है, उसके पेरेंट्स के द्वारा। फिर एक बड़े ग्रुप ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया होगा, फिर उसके बाद सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया होगा कि हाँ बड़ों की रिस्पेक्ट करने के लिए पाँव छू लेंगे। फिर ये धीरे से ट्रेडिशन बन गया होगा, ट्रेडिशन से फिर मूर बन गया होगा, मूर बनने के बाद एक सोशल इंस्टीट्यूशन ही बन गया होगा, और फिर इस पर लॉ बनाना पड़ गया होगा कि कोई सोसाइटी इसे एक्सेप्ट करती है। एडिशनल, डियोन्टोलॉजिस्ट और टीलियोलॉजिस्ट का क्या ओपिनियन है? डियोन्टोलॉजिस्ट कहते हैं कि नॉर्म्स एब्सोल्यूट होते हैं, ठीक है, इवन इफ दे हार्म अदर्स। टीलियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, दे सपोर्ट देश है कि नॉर्म्स में अमेंडमेंट किए जा सकते हैं टू सपोर्ट पीपल्स इंटरेस्ट। तो डियोन्टोलॉजिस्ट रूल्स में विश्वास करते हैं कि रूल्स फॉर द सेक ऑफ रूल्स मानने चाहिए, नॉर्म्स ही एब्सोल्यूट हैं, उसमें लोगों का इंटरेस्ट हो या ना हो, चाहे वो लोगों के अगेंस्ट भी हो, नॉर्म्स हमें फॉलो करने चाहिए। टीलियोलॉजिस्ट बोलेंगे ऐसा नहीं, लोगों का इंटरेस्ट सबसे ऊपर है, लोगों का इंटरेस्ट जिस चीज़ में उस हिसाब से नॉर्म्स को बदल दो। अब क्या है यहाँ पर, मैंने लिखा है 3 Rules About Life PHC, पैराडॉक्स, ह्यूमर और चेंज। पैराडॉक्स क्या है कि लाइफ इज़ अ मिस्ट्री, डू नॉट वेस्ट योर टाइम ट्राइंग टू फिगर इट आउट। लाइफ एक मिस्ट्री है, बहुत ज़्यादा आप सोचोगे कि मैं दिमाग लगा के समझ लूँ लाइफ कैसे चलेगी, तो वैसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतने ढेर सारे फैक्टर्स हैं 100 फैक्टर्स, और आप अपनी बुद्धि लगा के 10 फैक्टर्स से एनालाइज करोगे। फिर ह्यूमर, कीप अ सेंस ऑफ ह्यूमर स्पेशली अबाउट योर सेल्फ, इट इज़ अ स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल मैटर्स। और अपने आप को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं होना है, थोड़ा सा ह्यूमरस रहना है कि ठीक है यार, जो होगा देखेंगे और क्या, ये आपकी स्ट्रेंथ भी हो सकती है। चेंज, नो दैट नथिंग एवर स्टेज द सेम, हर एक चीज़ चेंज होती रहती है, ठीक है, कुछ भी वैसा नहीं रहेगा। जब अच्छा टाइम चल रहा है तो कभी बुरा भी आएगा, कभी बुरा चल रहा है तो अच्छा भी आएगा। जैसे मैं जनवरी फरवरी मार्च इन 3 महीने में आई वॉज हाईली डिप्रेस्ड इन 2024, ठीक है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, बट देन मैं घर गया छोटे पीरियड के लिए, एक हफ्ते के लिए, और वहाँ पर घर से आने के बाद मुझे रिलेटिवली अच्छा लगने लगा। फिर आई जॉइंड स्पोर्ट्स, और फिर ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, स्पोर्ट्स बहुत ही अच्छा मूड बूस्टर है। चलो ठीक है, अब क्या है UWIDC, यूज़ वर्ड इन डेली कॉन्वर्सेशन, टर्मिनल वैल्यूज़ एंड इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़। होल पॉइंट क्या है इन उस पूरे वीडियोज़ को बनाने का, वो यही है कि जब आप इन चीज़ों को पढ़ लेते हो तो इनको डेली लाइफ में यूज़ करो। तो जैसे आपने पूरा एक पेज पढ़ा, इस पूरे एक पेज से आप 2-3 शब्द निकाल सकते हो और उसको अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हो। तो अभी तो आप सिर्फ ये बना लो, इसके बाद फिर जब आप नेक्स्ट रीडिंग में इन वीडियोज़ को रिविजिट करोगे, देन यू कैन प्रॉबली सेलेक्ट फ्यू वर्ड्स विच यू कैन यूज़ इन डेली कॉन्वर्सेशन टू इनरिच दैट कॉन्वर्सेशन, कि लिसनर को भी इंटरेस्टिंग लगे आपसे बात करके, या कुछ सीखने का मौका मिले। तीसरा वर्ड था कंडक्ट, जो कि एथिक्स की डेफिनेशन में यूज़ हुआ है। तो कंडक्ट की डेफिनेशन क्या है, कंडक्ट मतलब वो एक्शन जो आपके कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये उठता है कि नेचर वर्सेस कैरेक्टर, कैरेक्टर क्या है, नेचर क्या है। तो नेचर क्या होता है, अच्छा इसको हम डिस्कस करेंगे। कंडक्ट की डेफिनेशन तो यही होगी ना, वो एक्शन जो आपके कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं। तो इसमें एक चीज़ ये है कि एक्शन का क्या मतलब है, कैरेक्टर का क्या मतलब है। तो सबसे पहले एक्शन देख लेते हैं। एक्शन दो तरह के हो सकते हैं, वॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन, लेकिन कंडक्ट में हम कंसिडर करेंगे सिर्फ और सिर्फ वॉलेंट्री एक्शन को। वॉलेंट्री एक्शन मतलब कॉन्शियस एक्ट या हैबिचुअल एक्ट, दीज आर एक्शन वेयर देयर वॉज फ्रीडम ऑफ विल। तो जहाँ आपके पास फ्रीडम ऑफ विल थी वो वॉलेंट्री एक्शन है। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि फ्रीडम ऑफ विल क्या होगी, ये कैसे पता चलेगा। तो 3 टेस्ट करने हैं, अगर 3 कंडीशन फुलफिल होती है तो उसका मतलब फ्रीडम ऑफ विल थी। वो 3 कंडीशन है ACF, एक तो अबिलिटी टू डिसाइड एंड चूज, दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ चॉइसेस एटलीस्ट 2 चॉइसेस, और फ्रीडम को चूज। सबसे पहले आपके अंदर ये अबिलिटी होनी चाहिए कि आप चूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको फोर्स किया जा रहा है। दूसरा, चॉइसेस होनी भी चाहिए चुनने के लिए, तो कम से कम 2 चॉइसेस तो होनी चाहिए। और फिर फ्रीडम आपको होनी चाहिए कि हाँ आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अबिलिटी टू डिसाइड या चूज़ मतलब वही होगा, शायद आप उस मेंटल स्टेट में हैं कि नहीं, मेंटल कैपेबिलिटी, फिजिकल कैपेबिलिटी। और फ्रीडम टू चूज़ मतलब कोई आपको फोर्स नहीं करना, और कम से कम एक से ज़्यादा चॉइसेस होनी चाहिए। तो ये हो गया। अगली चीज़ आ जाती है इसमें है दैट डिफाइन योर कैरेक्टर। तो कैरेक्टर क्या होता है, तो वो नेचर वर्सेस कैरेक्टर वाले डिबेट में इसका आंसर मिल जाएगा।
तो नेचर क्या होता है, इट इज़ इननेट एंड जेनेटिक, दैट इज़ इंस्टिंक्ट एंड टेंडेंसी। जो आपकी इंस्टिंक्ट है, जो आपकी टेंडेंसी होती है कुछ लोगों की कि वो ऐसे होते हैं, तो वो उनका नेचर हो जाता है। फॉर एग्जांपल, रीशु का एक सर्टेन काइंड का नेचर है, मेरा एक अलग काइंड का नेचर है। तो ये हमारा इंस्टिंक्ट टेंडेंसी है, ये जेनेटिक है, ये हमारा दिस इज़ हु वी आर। और कैरेक्टर क्या है, वो सीखा जाता है बाय रिपीटिशन ऑफ वॉलंटरी एक्शन। तो हम कर करके सीख सकते हैं, वो रीशु भी सीख सकते हैं, मैं भी सीख सकता हूँ। अब अगली चीज़ क्या है, नेचर में क्या है, नेचर इज़ जेनेटिक या फिर इननेट, फिर रेगुलेटेड बाय सोशलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ इड एंड सुपर ईगो, रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इड एंड सुपर ईगो इज ईगो रिफ्लेक्टेड इन आवर कंडक्ट, इंटरनल एस्पेक्ट क्रिएटेड बाय रिपीटेड कंडक्ट इज कैरेक्टर। मतलब ये है कि बचपन में जब हम पैदा हुए तो हमें कुछ इननेट क्वालिटीज़ हैं, कुछ इंस्टिंक्ट हैं, कुछ टेंडेंसीज हैं, वो हमारा नेचर हुआ। फिर सोशलाइजेशन, हमें क्या, हमारे मम्मी पापा हमें सिखाते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, बड़ों की रिस्पेक्ट करो, अच्छा काम करो, ये सब। तो इसकी वजह से पहली बार हमें सुपर ईगो डेवलप होता है। इड तो बचपन से ही होता है, अब सुपर ईगो और इड दोनों डेवलप हो जाता है। अब दिक्कत क्या होती है, ये लाइफ में कोई भी सिचुएशन आएगी तो आप सबसे पहले सेल्फ इंटरेस्ट सोचोगे, इड एक्टिव होगा आपका, जो आपको बताएगा नहीं नहीं अपने आप को बचाओ, और एक तरफ होगा आपका सुपर ईगो कि नहीं यार अपना सेल्फिश कैसे हो सकते हैं, दूसरों के लिए भी करना है। तो इन आपके माइंड में एक बार इड को लेके एक बार सेल्फिश थॉट आएंगे, फिर नॉन सेल्फिश थॉट आएंगे, फिर आप इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगी और उसका रिजल्ट होगा आप जिस कंक्लूजन पे पहुँचे वो आपका ईगो हो जाएगा। जो आपने डिसाइड किया इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद वही वैसा ही काम करोगे आप, तो इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन योर कंडक्ट। तो ये जो इंटरनल एस्पेक्ट है विच इज़ क्रिएटेड बाई रिपीटेटिव कंडक्ट, अब बार बार इसी तरह से कंडक्ट करोगे तो ये आपका कैरेक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो हमने एथिक्स की डेफिनेशन कर ली, एथिक्स की डेफिनेशन में ट्रिकी टर्म्स थे वैल्यूज़, नॉर्म्स और कंडक्ट, उनको भी फर्दर डेफिनेशन देख ली। अब देखते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिकल वैल्यूज़ या फिर नॉर्म्स इन सोसाइटी, कि ऐसा क्यों है कि अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग एथिक्स डेवलप होते हैं। तो इसका आंसर क्या है, वही जी डी रेप, दैट इज़ जी एस वन के बेसिस पे कुछ फैक्टर्स हैं, जी एस टू जी एस थ्री के बेसिस पे। तो जी एस वन के बेसिस पे क्या फैक्टर्स हैं, हैग्स, दैट इज़ ज्योग्राफिकल फैक्टर, डेमोग्राफी, रिलीजियस, या आर्ट एंड कल्चर से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। जी एस टू के बेसिस पे पॉलिटिकल, जी एस थ्री के बेसिस पे इकोनॉमिक, ठीक है। तो अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग एथिक्स होते हैं, क्यों, क्योंकि ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं, अलग अलग रिसोर्सेज हैं, अलग अलग क्लाइमेट है। जहाँ अलग क्लाइमेट है, फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया है, वहाँ पर गर्मी ज़्यादा है तो वहाँ के लोग उसी हिसाब से कपड़ा पहनेंगे जिसमें बॉडी को सॉरी क्या बोल सकते हैं कि सऊदी अरेबिया में शायद धूल वगैरह ज़्यादा उड़ती है, इसलिए वहाँ पे लोग मुंह को ढकवक के रखते हैं, इसलिए ये उनके वहाँ के एथिक्स और नॉर्म्स का वैसा कल्चर बन गया बॉडी को कवर करके रखना। इंडिया में शायद ऐसा नहीं है, या तो मतलब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, देखेंगे। रिसोर्सेज क्या अवेलेबल हैं उसके भी बेसिस पे, फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया में एग्रीकल्चर उतना कर नहीं सकते तो उन्हें मीट मांस खाने का खाएंगे वो उनके यहाँ ठीक माना जाएगा। लेकिन इंडिया में जहाँ गंगेटिक प्लेन्स हैं तो वहाँ पर आपके पास बहुत वाटर है, तो वहाँ पर लोग एग्रीकल्चर कर सकते हैं, तो उनके पास एक ऑप्शन है कि वो नॉनवेज ना पिक करें, ठीक है। डेमोग्राफी, दैट इज़ पीडीएस, पॉपुलेशन डाइवर्सिटी, सेक्स रेशियो कितना है, किसी सोसाइटी में फीमेल ज़्यादा होंगी तो वहाँ के नॉर्म्स अलग होंगे, किसी सोसाइटी में मेल्स ज़्यादा हैं तो वहाँ पे नॉर्म्स अलग होंगे। डाइवर्सिटी कितनी है, पूरे ही अगर हिंदू हैं कहीं पर, पूरे ही मुस्लिम हैं, पूरे ही क्रिश्चियन हैं, तो वहाँ पे अलग तरह से होगा कल्चर। दिल्ली जैसी प्लेस जहाँ पे हर जगह से लोग आते हैं तो वो और ज़्यादा एक्सेप्टिंग होगी दूसरों को लेके। फिर पॉपुलेशन कम है अगर कहीं पर, तो वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए अलग नॉर्म्स होंगे, जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे पॉपुलेशन कम करने के लिए अलग नॉर्म्स होंगे। रिलीजियस लिबरल सिस्टम है, फॉर एग्जांपल हिंदुइज्म, रिजिड सिस्टम है जूडाइज्म और इस्लाम। इकोनॉमिक फैक्टर्स, नेचर, कैपिटलिस्ट सोसाइटी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है या सोशलिस्ट इकोनॉमी है, तो इकोनॉमी का क्या नेचर है उसके बेसिस पे भी सोसाइटी के नॉर्म्स और कंडक्ट डिसाइड होंगे। फॉर एग्जांपल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप, ब्रेवरी, रिस्क टेकिंग, इसको ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी। सोशलिस्ट इकोनॉमी है तो वहाँ पर फैमिली सेटअप, उसको ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी। एक्टिविटी, प्राइमरी एक्टिविटी ज़्यादा होती है, टर्शरी एक्टिविटी होती है सोसाइटी में, वो भी डिसाइड करेगा कि किस तरह की वैल्यू सोसाइटी में प्रमोट की जाए, ठीक है। फिर पॉलिटिकल फैक्टर्स, डेमोक्रेसी तो अलग वैल्यूज़, जहाँ पे पीपल्स पार्टिसिपेशन वैल्यू किया जाएगा। डिक्टेटरशिप, वहाँ ओबीडियंस को ज़्यादा वैल्यू किया जाएगा। थियोक्रेसी, जहाँ पे रिलीजन रूल कर रहा है वो अलग टाइप से, सेकुलर स्टेट में अलग वैल्यूज़ होंगी। तो इस तरह से जो एथिक्स हैं, जो नॉर्म्स हैं किसी सोसाइटी के, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि सोसाइटी किस तरह की है, और कि अलग अलग सोसाइटी और अलग अलग सोसाइटी अलग अलग ज्योग्राफी, रिलीजियस वैल्यू, इकोनॉमिक पॉलिटिकल रीजंस की वजह से अलग अलग हो जाएगी।
अब कंपैरिजन बिटवीन एथिक्स एंड मोरालिटी, मोरालिटी एंड लॉ और मोरालिटी एंड रिलीजन, तीन के बीच में। तो एथिक्स और मोरालिटी में ये वाला रीजन है कि देर आर समथिंग विच आर एथिकल बट नॉट मोरल, मोरल बट नॉट एथिकल, और कुछ ऐसी हैं जहाँ पे एथिकल और मोरल दोनों होंगी। तो कई केसेस में एथिक्स और मोरालिटी का सेम मीनिंग होता है। एग्जाम्पल स्पीकिंग ट्रुथ, ये मॉरल भी है, ये एथिकल भी है। लेकिन डिफरेंस क्या है एथिक्स और मोरालिटी के बीच में? एथिक्स जो होता है वो प्रोफेशनल वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है, ठीक है, एग्जाम्पल कोड ऑफ एथिक्स। मोरालिटी जो है वो इनफॉर्मल वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है, दैट इज़ हमारे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। एथिक्स में क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जबकि मोरालिटी में इंटरनल फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि प्रोफेशनल वर्ल्ड में क्या है, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट बना होगा ना, तो उस कोड को पढ़ के आप करते हो, फैमिली के साथ इंटरनल फैक्टर्स। एथिक्स में यूनिफॉर्मिटी होती है क्योंकि अलग अलग प्रोफेशन जो हैं, कोड ऑफ कंडक्ट अगर आप देखोगे तो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन मोरालिटी की बात करें तो फैमिली के हिसाब से ये चेंज होता है, तो इसमें सब्जेक्टिविटी ज़्यादा है। एग्जाम्पल एडवोकेट टेकिंग क्रिमिनल केस, तो उसमें क्या होगा, एथिक्स और मोरालिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एथिक्स ये, प्रोफेशनल एथिक्स ये कहते हैं कि आपको केस लेना चाहिए, आपके पास अगर कोई क्लाइंट आता है तो आपको उसको बचाना है, चाहे वो क्रिमिनल ही क्यों ना हो। और मोरालिटी क्या कहती है कि आपकी इंटरनल कॉन्शियंस की नहीं, इसने तो किसी दूसरे पर्सन का मर्डर किया है तो इसको मैं कैसे बचा लूँ, ठीक है। तो एथिक्स और मोरालिटी में ऐसे अंतर आ जाएगा। फिर मोरालिटी एंड लॉ को देखते हैं, तो इसमें भी दो सर्कल्स, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं, ठीक है, कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं विच आर एक्सेप्टेड बाई मोरालिटी बट रिजेक्टेड बाई लॉ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं विच आर एक्सेप्टेड बाई लॉ बट रिजेक्टेड बाई मोरालिटी। उसी तरह से ये है कि कुछ चीज़ें एक्सेप्टेड बाई लॉ बट रिजेक्टेड बाई मोरालिटी, रिजेक्टेड बाई लॉ बट एक्सेप्टेड बाई मोरालिटी। एग्जाम्पल होमोसेक्सुअलिटी, इसको इमोरल माना जाता है इंडिया में लेकिन ये लीगल है इंडिया में। डाउरी, वो इलीगल है लेकिन सोसाइटी इसको एक्सेप्ट करती है, ठीक है, तो सोसाइटी डाउरी को मॉरल मानती है लेकिन इलीगल है, ये लॉ के अगेंस्ट है। सोसाइटी होमोसेक्सुअलिटी को इमोरल मानती है लेकिन इंडिया में इसको लीगल कहा गया है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि लॉ के हिसाब से भी चलती हैं, मोरालिटी के भी हिसाब से चलती हैं। तो ये किन के क्वेश्चन है कि मतलब हर क्वेश्चन में इसी टाइप से देखना है, नॉट दिस एंड दैट, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। थिंग्स रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड बाई बोथ लॉ एंड मोरालिटी, एग्जाम्पल मर्डर एंड रेप, बोथ लॉ एंड मोरालिटी हेल्प्स इन मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, बोथ आर सोसाइटी स्पेसिफिक। तो जैसे मर्डर और रेप है तो इसको लॉ भी प्रोहिबिट करता है, मोरालिटी भी प्रोहिबिट करती है। और लॉ और मोरालिटी का यूज़ यही है कि ये सोशल ऑर्डर मेंटेन करके रखता है। और लॉ कैसा होगा, मोरालिटी कैसी होगी, जैसे हमने बताया, वो इस पर डिपेंड करेगा कि सोसाइटी कैसी है, ठीक है। तो अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग लॉज होंगे, अलग अलग मोरालिटी होंगी। फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया में अलग लॉज होंगे पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन को लेके, वेस्टर्न कल्चर में अलग लॉज होंगे। अब डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी, लॉ जो होता है इट इज़ रिलेटेड टू क्रिमिनल एक्ट, मोरालिटी जो होती है वो सिनफुल एक्ट से रिलेटेड होती है। लॉ इज़ रिलेटेड टू स्टेट, मोरालिटी इज़ रिलेटेड विद सोसाइटी। अच्छा, अगला आ जाते हैं मोरालिटी और रिलीजन के बीच में क्या है। तो अगेन इसमें इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, कुछ चीज़ें जो मोरल हैं लेकिन रिलीजियस नहीं हैं। फॉर एग्जांपल भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, मार्क्स, ये सब लोग मोरल थे लेकिन रिलीजियस नहीं थे शायद। एलजीबीटी राइट्स और एनवायरनमेंट मूवमेंट, ये मोरल है लेकिन रिलीजियस नहीं है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि मोरालिटी और रिलीजन बिल्कुल ही अलग अलग हैं, वही एक मतलब क्या बोलेंगे, जो इंटेलिजेंट आदमी है वो यस या नो में नहीं बात करता कि हाँ दोनों ही, मोरालिटी और रिलीजन बिल्कुल ही अलग हैं या बिल्कुल ही एक जैसे। वो कन्फ्यूज जवाब देगा कि कुछ ऐसा होगा जहाँ पे मोरल, कोई ऐसी चीज़ होगी जो मोरल है रिलीजियस नहीं है, कोई ऐसी है जो रिलीजियस है मोरल नहीं है, कोई ऐसी है जो दोनों है मोरल और रिलीजियस है। तो थिंग्स विच आर रिलीजियस बट नॉट मोरल, एग्जांपल रावण, सती, ब्रेस्ट टैक्स, वर्णा सिस्टम, ये सब रिलीजियस हैं लेकिन ये चीज़ें मॉरल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सती, ब्रेस्ट टैक्स, वर्णा सिस्टम, इसको रिलीजियस सेंक्शन मिला हुआ था लेकिन ये मॉरल तो है नहीं, ठीक है। अब उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो मॉरल भी हैं, रिलीजियस भी हैं। एग्जांपल फीड एनिमल या हेल्प पुअर, ये मोरालिटी भी कहेगी, रिलीजन भी कहेगा। गांधी जी हो गए, बुद्धा हो गए, जीसस हो गए, ये लोग रिलीजियस भी थे और साथ ही साथ मॉरल भी थे। और मोरालिटी और रिलीजन दोनों के दोनों क्या करते हैं, सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने में मदद करते हैं, प्लस बोथ आर स्पेसिफिक टू सोसाइटी। अब रिलीजन और मोरालिटी में डिफरेंस क्या है? तो रिलीजन में ट्रांसेंडेंटल एस्पेक्ट होता है, दिस वर्ल्डली टू दैट वर्ल्डली, लेकिन मोरालिटी में ट्रांसेंडेंटल एस्पेक्ट नेसेसरी नहीं है। रिलीजन में रूल्स होते हैं, मोरालिटी में रूल्स होते हैं, रूल्स नेसेसरी नहीं होते, रूल्स नॉट नेसेसरी।
अब ये कैसे डिटरमाइन करोगे आपकी कोई एक्ट मॉरल है या नहीं, ये कैसे करोगे? तो उसके लिए पांच चीज़ों को कंसिडर करो, फाइव चीज़ों को। क्या है एम? ये है कि एन एक्ट डन बाय एक्स इज़ मॉरल और इमोरल, डिग्री ऑफ मोरालिटी या फिर इमोरालिटी। कि सपोज़ कोई एक्स है, राम श्याम है, उसने कुछ कोई एक्ट किया, अब वो एक्ट मॉरल है या इमोरल है, फिर उस एक्ट में डिग्री ऑफ मोरालिटी कितनी है, ठीक है? कि 10% मॉरल, 20% इमोरल, या 50% मॉरल, 50% इमोरल, ठीक है? तो ऑफिस में भी अगर कोई गलत करता है तो आपको ये देखना पड़ेगा ना कि किस लेवल तक वो मॉरल या इमोरल है। तो उसमें क्या है, किस तरह का सिस्टम बना दो कि एक बड़ा सा सर्कल, उसके बाहर सोशल कॉन्टेक्स्ट, अंदर एक्ट, और एक्ट से निकलते तीन एरोस, एक्टर, ऑब्जेक्ट और कॉन्सिक्वेंस, ठीक है? तो 1, 2, 3, 4, 5। अब सबसे पहले है सोशल कॉन्टेक्स्ट। कोई भी चीज़ मॉरल या इमोरल अपने आप में नहीं होती है, एवरी थिंग इज़ मॉरल और इमोरल जब वो किसी कॉन्टेक्स्ट का पार्ट हो। आपको कॉन्टेक्स्ट चाहिए तब किसी चीज़ को समझ पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, मैरिंग कज़न, इसे बुरा माना जाता है हिंदूज़ में, लेकिन मुस्लिम्स में इसे ठीक ठाक माना जाता है, सदर्न स्टेट्स में भी ठीक ठाक माना जाता है। तो ये अच्छा या बुरा है नहीं, कुछ लोगों को ठीक लगता है, कुछ लोगों को नहीं लगता है, ठीक है? अगली चीज़ हो गई एक्ट। एक्ट इज़ टू बी इंटरप्रेटेड इन गिवन सोशल कॉन्टेक्स्ट, कि किसी ने कुछ काम किया तो कॉन्टेक्स्ट क्या था उस वक्त। एग्जाम्पल, एडल्ट्री, तो सेक्स आउटसाइड रिलेशन, डूइंग एडल्ट्री वंस, किसी ने एक बार एडल्ट्री की या फिर मल्टीपल टाइम्स की। फिर डिफरेंस इन इंटेंसिटी ऑफ एक्ट, वो एक्ट किस इंटेंसिटी से किया गया था। फिर सोशल कॉन्टेक्स्ट, एडल्ट्री क्या है, क्राइम है ईरान में, लेकिन एडल्ट्री क्राइम नहीं है फ्रांस में, राइट? एक्टर या दूसरी चीज़ है एक्टर या फिर डूअर, तो एक्टर का बैकग्राउंड क्या था। फिर इमीडिएट सर्कमस्टेंसेस क्या थे, इंटेंशन क्या थी, ये तीन चीज़ चेक करो। फॉर एग्जाम्पल, बैकग्राउंड ऑफ एक्टर, उसकी एज, जेंडर, एजुकेशन, फाइनेंशियल बैकग्राउंड। अगर वो यंग बच्चा था कोई तो उसको कम सज़ा मिलनी चाहिए, ज़्यादा बूढ़ा इंसान है जो कि मैच्योर था तो ज़्यादा मिलनी चाहिए। जेंडर में देखो, फीमेल है या मेल है, ठीक है? फीमेल्स या फिर जो वल्नरेबल सेक्शन को बिलोंग करते हैं उनको रिलेटिवली कम सज़ा दी जा सकती है। एजुकेशन एंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड, अगर कोई बंदा, कोई एजुकेटेड बंदा कोई गलत काम करे तो उसे ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए इन कंपैरिजन टू अनएजुकेटेड। फाइनेंशियल बैकग्राउंड, कोई रिच बंदा अगर कुछ गलत करे तो ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए इन कंपैरिजन टू पुअर। इमीडिएट सर्कमस्टेंसेस क्या थे, टॉर्चर किया जा रहा था उस बंदे को तब उसने किसी का मर्डर कर दिया, या उसे किसी ने उकसाया था क्या इस चीज़ के लिए, या फिर उसने अपनी सहमति से अपने मन से ही किया, अगर अपने मन से किया तो ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए। फिर इंटेंशन, जिस बंदे से मर्डर हो गया, क्या उसकी इंटेंशन थी मारने की या इंटेंशन नहीं थी किल करने की तब उसने मार दिया, दोनों ही केस में अलग सज़ा होगी, ठीक है? तो सोशल कॉन्टेक्स्ट, एक्ट, एक्टर या फिर डूअर। तीसरी चीज़ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी जिस पर एक्शन लिया गया, मतलब एक तो किलर है और दूसरा द पर्सन हु इज़ किल्ड, मतलब विक्टिम या फिर बेनिफिशियरी। तो विक्टिम का बैकग्राउंड देखो, विक्टिम की सर्कमस्टेंसेस देखो, विक्टिम का रोल देखो। बैकग्राउंड ऑफ विक्टिम, फॉर एग्जांपल, रेपिंग अ 3-year-old गर्ल इज़ नॉट सेम एज रेपिंग अ 30-year-old वुमेन, ये ज़्यादा हीनियस क्राइम है टू रेप अ चाइल्ड, तो उसके लिए अलग प्रोविज़न होना चाहिए, अलग पनिशमेंट, ज़्यादा पनिशमेंट होनी चाहिए। सर्कमस्टेंसेस क्या थी जब वो एक्ट कर रहा था या फिर उस एक्ट को करने से पहले, विक्टिम का क्या रोल था, क्या विक्टिम का कोई रोल नहीं था, किलर ने वैसे ही मार दिया, या विक्टिम ने पैसिव रोल था, या विक्टिम ने पहले उकसाया और उसके अगेंस्ट काम किया गया। तो इन चीज़ों के बेसिस पे आप सज़ा डिसाइड कर सकते हो। अगली चीज़, फॉर एग्जांपल, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स होती है ना ऑफिस में, तो वहाँ पर आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो डिसाइड करने के लिए। कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब इम्पैक्ट, IDD, तीन चीज़ें, इम्पैक्ट किस पे पड़ा, ड्यूरेशन ऑफ इम्पैक्ट और डाइवर्सिटी ऑफ लॉस या फिर गेन, ये तीन चीज़ें देखोगे आप। तो इम्पैक्ट किस पे पड़ा, सिर्फ और सिर्फ इस एक्ट की वजह से उस विक्टिम पे इम्पैक्ट पड़ा है या पूरी की पूरी सोसाइटी इससे अफेक्ट होगी, पूरी सोसाइटी अफेक्ट होगी तो ज़्यादा पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ इम्पैक्ट, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में फिजिकल हार्म, लॉन्ग टर्म में मेंटल हार्म, कि सिर्फ और सिर्फ फिजिकल हार्म ही हुआ उस बंदे को या फिजिकल हार्म तो हुआ ही, अब उसको मेंटली भी थ्रू आउट लाइफ उससे इम्पैक्टेड रहना पड़ेगा, तो ज़्यादा सीवियर पेनल्टी किस केस में होगी। डाइवर्सिटी ऑफ लॉस या फिर गेन, तो लॉस को ले लेते हैं कि सिर्फ और सिर्फ फिनेंशियल लॉस हुआ कि नहीं, फिनेंशियल और फिजिकल लॉस हुआ, नहीं फिनेंशियल, फिजिकल और साइकोलॉजिकल लॉस भी हुआ, तो जब इन तीनों चीज़ों को देखोगे तो ज़्यादा पनिशमेंट देनी पड़ेगी। तो ऐसे कोई भी एक्ट हो, अगर आप डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स रन करते हो ऑफिस में, तो आप देख सकते हो या घर में भी जहाँ पर भी देखोगे कि सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या था, एक्ट क्या हुआ, एक्टर या डूअर से रिलेटेड तीन चीज़ें, बैकग्राउंड उसका, इमीडिएट सर्कमस्टेंसेस उसके, इंटेंशन, जो विक्टिम है उसका बैकग्राउंड, उसके सर्कमस्टेंस और विक्टिम का क्या रोल था,
और जो सर कॉन्सिक्वेंस हुए तो कॉन्सिक्वेंस भी किस पर इम्पैक्ट पड़ा, कितने टाइम के लिए इम्पैक्ट पड़ा, डाइवर्सिटी ऑफ लॉस। तो सोशल कॉन्टेक्स्ट और एक्ट में तो एक एक पॉइंट है, एक्टर ऑब्जेक्ट और कॉन्सिक्वेंस में तीन तीन पॉइंट चेक करने हैं, तो टोटल 11 पॉइंट बिफोर कमिंग टू अ कंक्लूजन। अभी हमने क्या कर लिया, एथिक्स की डेफिनेशन देख ली, फिर हमने ये देख लिया कि डिफरेंट सोसाइटी हैव डिफरेंट एथिक्स, दैट इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ एथिक्स। फिर हमने कंपेयर करके भी देख लिया एथिक्स मोरालिटी, मोरालिटी लॉ और मोरालिटी रिलीजन को। अभी मोरालिटी रिलीजन में थोड़ा और चीज़ है, उसको फिर से देख लेते हैं। तो मोरालिटी के टाइप्स, रिलीजियस मोरालिटी या फिर सेक्युलर मोरालिटी। तो जो रिलीजियस मोरालिटी है वो है मोरालिटी जो कि रिलीजन के बेसिस पे होगी, और सेक्युलर मोरालिटी मतलब वो मोरालिटी जो कि सेक्युलर प्रिंसिपल के बेसिस पे होगी। तो रिलीजियस मोरालिटी के प्रोपाउंडर्स हैं गांधी जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, और सेकुलर मोरालिटी कार्ल मार्क्स, जवाहरलाल नेहरू, ऐसे लोग बताएंगे। जो रिलीजियस मोरालिटी होगी वो रिचुअलिस्टिक होगी, डियोंटोलॉजी के पास होगी, कि नहीं रूल्स फॉर द सेक ऑफ रूल्स, रूल्स में लिखा है मानना ही है, भले ही किसी का नुकसान हो किसी का फ़ायदा हो। फिर लेकिन जो सेकुलर मोरालिटी होती है वो रीज़न, फैक्ट, यूटिलिटी, इसके बेसिस पे होती है, कि नहीं ह्यूमन इंटरेस्ट इज़ एट द सेंटर, ह्यूमंस के लिए क्या अच्छा है, सोसाइटी के लिए क्या अच्छा है, उसके बेसिस पे। रिलीजियस मोरालिटी दैट इज़ स्पेसिफिक टू अ रिलीजन, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसे सिर्फ हिंदू मोरल मानते होंगे, जिसे सिर्फ मुस्लिम मोरल मानते होंगे। और सेकुलर मोरालिटी क्या है, यूनिवर्सल होती है नेचर में, जिसे सभी मानते हैं, ठीक है। फिर क्या है, एथिक्स इन पब्लिक लाइफ एंड प्राइवेट लाइफ। तो सेकुलर मोरालिटी को सभी क्यों मानेंगे, क्योंकि सेकुलर मोरालिटी किसके बेसिस पे है, रीज़न के बेसिस पे, लॉजिक के बेसिस पे है। एक पॉइंट रखा जाएगा, उसके पीछे का लॉजिक दिया जाएगा, आप लॉजिक को काट सकते हैं तो आपकी बात मान ली जाएगी, अदरवाइज़ हमारे बात मान ली जाएगी। तो लास्ट में वो जो चीज़ बची जिसे कि कोई भी काट नहीं पाया, जिस रीज़न को, उसे सब एक्सेप्ट करेंगे, तो वो सेकुलर मोरालिटी है। अब पब्लिक लाइफ में एथिक्स और प्राइवेट लाइफ में एथिक्स, उसको देख लेते हैं। तो उसके लिए पहले ये तो समझो पब्लिक लाइफ और प्राइवेट लाइफ होती क्या है। पब्लिक लाइफ मतलब ऑफिशियल रिलेशन, बॉस, सबऑर्डिनेट, पॉलिटिकल रिलेशंस। प्राइवेट लाइफ क्या होती है, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जो रिलेशंस है। पब्लिक लाइफ चलती है रूल्स के बेसिस पे, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स नाम की बुक है, वो गवर्न करती है। प्राइवेट लाइफ होती है वो इमोशन के बेसिस पे चलती है, वहाँ रूल बुक काम नहीं आती है। पब्लिक लाइफ में प्राइवेसी की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, वहाँ पे सारी चीज़ ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। प्राइवेट लाइफ में प्राइवेसी चाहिए होती है। पब्लिक लाइफ में इम्परफेक्शन के लिए कोई टॉलरेंस नहीं है, रूल है मानिए, अदरवाइज़ पनिशमेंट। प्राइवेट लाइफ में क्या है, कुछ टॉलरेंस दिया जाता है इम्परफेक्शन के लिए, ठीक है, सम टॉलरेंस इज़ गिवन फॉर इम्परफेक्शन भी, कि भाई यार अपना ही फैमिली मेम्बर है तो चलता है। फिर एथिक्स इन पब्लिक लाइफ और एथिक्स इन प्राइवेट लाइफ। पब्लिक लाइफ में प्रोफेशनल इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ये इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट लाइफ में पर्सनल इंटीग्रिटी, टॉलरेंस, कंपैशन, ट्रस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। पब्लिक लाइफ में कंडीशनल कमिटमेंट होता है, कि नहीं अगर ऐसा होगा तभी हम ऐसा करेंगे, क्योंकि वो रूल से गवर्न है। लेकिन प्राइवेट लाइफ में अनकंडीशनल कमिटमेंट होता है हमारे फैमिली और फ्रेंड्स के लेके। पब्लिक लाइफ में क्योंकि रूल बुक है एथिक्स के लिए, कोड ऑफ कंडक्ट के लिए, तो सब्जेक्टिविटी कम होगी। लेकिन प्राइवेट लाइफ में ऐसी कोई रूल बुक तो है नहीं, तो वहाँ सब्जेक्टिविटी अलग होगी, अलग अलग लोग अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह से रिएक्ट करेंगे। पब्लिक लाइफ के एथिक्स में लेस इम्पैक्ट ऑन ऑफ कल्चर, ठीक है, उसमें ये डिपेंड नहीं करता कि आप हिंदू हैं मुस्लिम हैं, कोड ऑफ कंडक्ट की बुक सब पर इक्वली लगेगी, ठीक है। जबकि प्राइवेट लाइफ में ये भी डिपेंड करता है कि आपका किस कल्चर से आते हैं, ठीक है, वेस्टर्न कल्चर, इंडियन कल्चर, हिंदू मुस्लिम, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं प्राइवेट लाइफ के एथिक्स में। पब्लिक लाइफ का एथिक्स इज़ बेस्ड ऑन रूल्स, प्राइवेट लाइफ का एथिक्स इज़ बेस्ड ऑन इमोशंस। पब्लिक लाइफ में लोग एथिकल होते हैं, क्यों, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं पनिशमेंट ना मिल जाए, ठीक है, ऑफिस में इफ़ यू ब्रेक लॉ तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। प्राइवेट लाइफ में क्या है कि पनिशमेंट नहीं, सोशल प्रेशर होता है, कि नहीं एक माँ को ऐसा ही होना चाहिए, और अपने मन की शांति के लिए भी यहाँ पर ये चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो अगली चीज़ क्या हो गई, इंट्रोडक्शन हो गया, अब अगली चीज़ आ गई, नीड ऑफ एथिकल सिस्टम, इम्पैक्ट ऑफ एथिक्स, वॉट इज़ अनएथिकल इन सोशल एथिक्स, मोरल प्रोग्रेस, दो टाइप की वैल्यू, डायमेंशन ऑफ एथिक्स और ग्रेट लीडर्स, वो हम बाद में देखेंगे। तो नीड ऑफ एथिकल सिस्टम, एथिकल सिस्टम क्या इंश्योर करते हैं, दे इंश्योर थ्री थिंग्स। एथिक्स की ज़रूरत ही क्यों है हमें सोसाइटी में, तो एथिक्स तीन चीज़ें इंश्योर करती हैं, कि सोसाइटी बनेगी ही तभी जब एथिक्स होगा, सोसाइटी मेंटेन ही होगी तभी जब एथिक्स होगा, और सोसाइटी डेवलप भी तभी करेगी जब एथिक्स होगा। मतलब आप सिंपली ऐसे समझ लो ना कि शुरू में क्या है, ओरिजिन ही कैसे हुआ सोसाइटी का। तो थॉमस हॉब्स ये कहते हैं कि सारे ह्यूमन सेल्फिश हैं बाय नेचर, तो अगर सब सेल्फिश हैं तो सब अपना अपना देखेंगे, क्योंकि बचपन से ही यू आर ब्रॉट अप विद दो सेवन सिंस,
ठीक है, एंगर, लस्ट, प्राइड, हेट, इन सारी चीज़ों के साथ तो सब लड़ते रहेंगे, बट एथिक्स एंड सोशलाइजेशन मेक अस लर्न हाउ टू लिव टुगेदर एंड स्टिल फुलफिल आवर डिज़ायर, तो सोसाइटी फॉर्म होती है। मतलब आप ऐसे समझो, शुरू में देख लो, जैसे जंगल देखते हो ना आप, जंगल में कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई वल्नरेबल सेक्शन के लिए स्पेशल लॉज नहीं है, वहाँ तो ये है जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो ताकतवर है वो दूसरों को एक्सप्लॉइट करेगा, ऐसा है जंगल राज। और ये नहीं, अगर आपने देखा है तो कभी शेर को हिरण के बच्चे को खाते हुए देखना, तो आपको रियलिटी पता चलेगी, आपको ये दिखेगा कि कैसे हिरण हमेशा डरे हुए से रहते हैं। तो वो सोसाइटी जहाँ पर डरे रहेंगे लोग, क्योंकि उन्हें तो जान का ही खतरा है ना, तो वहाँ पर आर्ट एंड कल्चर और म्यूज़िक, इस तरह की एंटरटेनमेंट, इन चीज़ों का, साइंस एंड टेक, इनका विकास हो ही नहीं पाएगा। तो सोसाइटी की हमें क्यों ज़रूरत है ये समझ गए, आर्ट की, हम सब शांति से साथ में रह सकें और अपने अपने आप को डेवलप कर सकें, इनोवेट कर सकें, अपनी लाइफ और आसान बना सकें, इसलिए सोसाइटी की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब सोसाइटी बनेगी कैसे, जब सारे लोग एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है, कि हमें एक दूसरे को मारना नहीं है, वी डोंट हैव टू किल ईच अदर। अगर ये चीज़ सभी लोग मानेंगे सोसाइटी के, तो ही किसी की मौत नहीं होगी, अदरवाइज़ आप बैठे हुए हो, आपके पीछे बंदा कोई बैठा हुआ है, वो आपको कब चाकू निकाल के मार देगा पता नहीं। ये तो यही है ना, ये एथिक्स ही तो हैं जो जिसने की सोसाइटी को मेंटेन किया हुआ है, और आप आराम से बैठ के वो कर पा रहे हो जो कर रहे हो आप, तो ये है एथिक्स का यूज़। एनीवे, आप देखते हैं ओरिजिन या एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी। थॉमस हॉब्स ने ये कहा था कि सारे ह्यूमंस जो हैं वो सेल्फिश है नेचर में, पीपल विल कीप ऑन फाइटिंग फॉर सेवन सिंस, बट एथिक्स और सोशलाइजेशन है जो कि हमें ये सिखाते हैं कि कैसे हम साथ रहें और स्टिल अपने जो सेल्फिश डिज़ायर्स हैं उन्हें फुलफ़िल करें, तो सोसाइटी फॉर्म होगी। मेंटेनेंस, दैट इज़ वेल फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी। कुछ कॉमन वैल्यूज़ को लेकर जब कंसेंसस होगा, तभी तो कॉन्फ्लिक्ट घटेंगे लोगों के बीच में। फॉर एग्जांपल, क्रिकेट के मैच में अगर इंडिया जीत गया पाकिस्तान से, तो इंडिया अगर पाकिस्तान से जीता तो पाकिस्तान वाले ऐसा नहीं है कि हम पे न्यूक्लियर मिसाइल से अटैक कर दें, कुछ चीज़ों को हम मान के चलते हैं ना, तभी तो। फिर डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, टू प्रोग्रेस अ सोसाइटी नीड्स अ वैल्यू, जैसे कि करेज, हार्ड वर्किंग, क्यूरियोसिटी, तो जब हम लोगों में ये वैल्यूज़ डालेंगे तो सोसाइटी प्रोग्रेस होगी। टू प्रोग्रेस एथिकली सोसाइटी नीड्स वैल्यू, जैसे कि जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, कि एथिकल प्रोग्रेस हो सके सोसाइटी का। फिर इम्पैक्ट क्या होता है एथिक्स का, तो एथिक्स का इम्पैक्ट सोसाइटी पे, इंडिविजुअल पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे। तो अब ये है, अगेन गोलू बातें नहीं, कि सिर्फ और सिर्फ अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, एथिक्स का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। सोसाइटी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि सोसाइटी बनी ही है एथिक्स की वजह से, मेंटेन हो रही है और अभी डेवलप हो रही है सोसाइटी, किस वजह से, एथिक्स की वजह से, कि लोग कुछ रूल्स मानते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा है सोसाइटी पे, कि सोसाइटी हो सकता है रिचुअलिस्टिक बन जाए, लेस डायनेमिक बन जाए, लेस इनोवेटिव बन जाए, जब वो सिर्फ और सिर्फ रूल्स को फॉलो करेगी। ठीक है, तो प्रॉबेबली ऐसा होना चाहिए कि 80% रूल्स को फॉलो करो और 20% एरिया होना चाहिए जहाँ पर क्रिएटिविटी की जगह हो। इंडिविजुअल्स, पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट। तो इंडिविजुअल्स पे एथिक का पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि इंडिविजुअल्स के अंदर सुपर ईगो डेवलप होता है। ठीक है, और सुपर ईगो डेवलप होने की वजह से हमें क्लियर कट आइडिया मिलता है कि क्या सही चीज़ है, क्या गलत चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एथिक्स है कि अच्छा करो सब कुछ अच्छा होगा, तो हमें क्लियर कट आइडिया होता है कि किस सिचुएशन में क्या करना है, कोई मेंटल ट्रबल नहीं होती। लेकिन जिसको ये क्लैरिटी मिल गई कि नहीं भाई, ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है, वो तो हमेशा ही परेशान रहेगा, क्योंकि उसे हर चीज़ का कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव दिखेगा, तो डिसाइड ही नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत बड़ी हेल्प है कि अगर आपको कोई बता दे सीधा सीधा कि नहीं, मंगलवार को व्रत रखना चाहिए, भगवान की पूजा करोगे तो अच्छा होगा, जिसके दिमाग में इस चीज़ को लेकर क्लैरिटी है वो जब भी परेशान होगा ऐसा ही करेगा। लेकिन जिसको दिमाग में क्लैरिटी नहीं कि भगवान होते हैं भी कि नहीं, तो वो परेशान रहेगा कि मैं करूँ क्या इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, बिकॉज नथिंग इज़ एब्सोल्यूट। एनीवे, तो एथिक्स क्या करते हैं, इंडिविजुअल्स को क्लियर कट आइडिया देते हैं कि क्या सही क्या गलत है, तो दे कैन टेक देयर डिसीजन। फिर एक सोशल सिक्योरिटी रहती है कि आपको कल को कोई तुरंत आके खून नहीं कर देगा आपका। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, कि इंडिविजुअल कीप ऑन सैक्रीफाइसिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट हिज हैप्पीनेस। कई बार सोसाइटी के ऐसे रूल्स हैं कि सबका भला करो, उसमें इंसान अपना भला करना भूल जाता है। ठीक है, नो क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी नहीं हो जाएगी अगर आप सिर्फ रूल्स को फॉलो करोगे। एडमिनिस्ट्रेशन पर एथिक्स का पॉजिटिव इम्पैक्ट, लेस लॉ एंड ऑर्डर इशूज़, क्योंकि सब अच्छे, लेस लॉ एंड ऑर्डर इशूज़ इसीलिए हैं ना, क्योंकि गुजरात में फॉर एग्जाम्पल लोग बड़े पीसफुल हैं, वो क्यों, क्योंकि उनके एथिक्स उसी टाइप के हैं, वो उनकी वैल्यूज़ उसी टाइप के हैं, तो लेस लॉ एंड ऑर्डर इशू है यहाँ पे। प्लस ईजी टू इम्प्लीमेंट वेलफेयर स्कीम, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस आप आसानी से कर सकते हो, अगर आप गांधी जी का अंत्योदय का लाइन के लास्ट में जो बंदा खड़ा है उसका वेलफेयर होना चाहिए, लेट्स अज्यूम सभी यही मानते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस करनी कितनी आसान होगी। एस सी एस टीज़ के लिए स्कीम्स बनानी आसान होगी, वुमेन के लिए, पुअर ओल्ड पीपल के लिए स्कीम्स बनानी आसान भी होगी, इम्प्लीमेंट करना भी आसान होगा।
नेगेटिव इम्पैक्ट एथिक्स का क्या है एडमिनिस्ट्रेशन पे, कि एथिकल सिस्टम क्रिएट्स स्टीरियोटाइप्स, तो डिफ़िकल्ट टू रन एडमिनिस्ट्रेशन. फिर सोशल डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज़ टफ टू इम्प्लीमेंट वेलफेयर पॉलिसी. फिर वॉट इज़ अनएथिकल इन सोशल एथिक्स, सोशल एथिक्स में भी कोई चीज़ अनएथिकल है क्या? तो सोशल एथिक्स तब अनएथिकल बन जाते हैं जब सोशल एथिक्स आर नॉट रेडी टू चेंज विथ टाइम. एग्जाम्पल मैरिज, डिवोर्स बिफोर इंडिपेंडेंस. ठीक है कि हिंदू मैरिजेस में क्या था कि पत्नी हो सकता है डिवोर्स ही ना दे सके, या फिर पत्नी का डिवोर्स हो गया है तो विडो रीमैरिज नहीं पॉसिबल थी. तो जब सोशल एथिक्स टाइम के साथ अपने आप को इवॉल्व नहीं करेंगे तो ये उसमें क्या है, कमी आ गई, ये उसका अनएथिकल नेचर है. फिर किसी पे वैल्यूज़, एथिक्स, नॉर्म्स, इन चीज़ों को इम्पोज करना. एथिक्स ट्राई टू क्रिएट अ होमोजीनियस सोसाइटी. तो जब सभी एक जैसे हो जाएंगे, सभी एक जैसे सोचेंगे तो क्रिएटिव आइडिया ही मर जाएंगे, क्रिएटिव आइडिया मर जाएंगे तो कुछ नया डेवलप नहीं होगा. ठीक है, अगर सभी सोचते कि अर्थ पर ही रहना है तो मार्स पर जाने वाले के लिए इलॉन मस्क आते नहीं. सब सोचते पेट्रोल की ही गाड़ियाँ चलनी है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल आते नहीं. फिर सोशल एथिक्स अगर रिजेक्ट कर दें प्रोग्रेसिव आइडिया जो कि हम दूसरे कल्चर से अडॉप्ट कर सकते हैं, तो ये उनका एक नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा. एग्जांपल साइंटिफिक टेंपर. ठीक है, फॉर एग्जांपल मिडिल एजेस में डार्क एज थी यूरोप में, तो अगर वो लोग क्या कहते हैं साइंटिफिक टेंपर को नहीं अपनाते तो अभी भी डार्क एज में ही रहते हैं. तो साइंटिफिक टेंपर, कास्ट बेस्ड एथिक्स, इम्पोजिंग एथिक्स ऑफ डोमिनेंट ग्रुप्स, ठीक है, ये चीज़ें गलत हैं. तो जो भी दूसरे कल्चर के प्रोग्रेसिव आइडिया हैं, अगर आपका कल्चर उन नॉर्म्स को, उन वैल्यूज़ को अपने कल्चर में समाहित कर ले तो फिर वो अच्छा है. तो बेसिकली आइडिया यही है कि सोशल एथिक्स तभी ठीक है जब वो टाइम के साथ अपने आप को इवॉल्व करते रहें, टाइम और नीड के साथ, बिकॉज एवरीथिंग इज़ चेंजिंग. तो सोशल एथिक्स शुड ऑल्सो चेंज. अब मॉरल प्रोग्रेस की डेफिनेशन और ओपिनियन. तो डेफिनेशन, मॉरल मतलब हमने पढ़ा हुआ है. प्रोग्रेस का क्या मतलब है? प्रोग्रेस का मतलब होता है पॉजिटिव चेंज इन सोसाइटी. लेकिन प्रोग्रेस और ग्रोथ सेम चीज़ें नहीं है. प्रोग्रेस ज़्यादा बड़ा वर्ड है इन कंपैरिजन टू ग्रोथ. ग्रोथ का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव ग्रोथ की बात हम करते हैं अब, लेकिन प्रोग्रेस का मतलब क्या है? इट इज़ बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. कि क्वांटिटेटिव भी ग्रोथ हो और क्वालिटेटिव भी ग्रोथ हो तब उसे प्रोग्रेस कहोगे आप. तो प्रोग्रेस मतलब पॉजिटिव चेंज इन सोसाइटी. ओपिनियन, मॉरल प्रोग्रेस पुराने टाइम से लेके आज तक, अगर हम पुराने टाइम को देखें और आज को देखें तो बढ़ी है या घटी है? तो दोनों के प्रोपाउंडर मिल जाएंगे. मॉरल प्रोग्रेस बढ़ी है, इस चीज़ को कहने वाले टी एच ग्रीन भी हैं, विकास दिव्यकीर्ति जी भी हैं. उन्होंने कहा है कि दो तरीके हैं इसको एनालाइज करने के लिए. क्या है? कंपेयर करो ह्यूमन वैल्यू को कि पास्ट में कैसी थी, प्रेजेंट कैसी थी, ठीक है, और ह्यूमन कंडक्ट को कंपेयर करो कि पास्ट में कैसा था, प्रेजेंट में कैसा था. तो ह्यूमन वैल्यू को अगर हम कंपेयर करें पास्ट प्रेजेंट के, तो पहले तो कल्चर स्पेसिफिक वैल्यू थी, लेकिन आज यूनिवर्सल वैल्यूज़ आई हैं. और यूनिवर्सल वैल्यूज़ कब बनेंगी? जब वो लॉजिक के बेस पे होंगी, क्योंकि लॉजिक को कोई काट नहीं सकता है. तो इसलिए फिर कलेक्टिव मोर इम्पॉर्टेंट, मतलब पास्ट में क्या था, कलेक्टिविटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, लेकिन आज क्या है, इंडिविजुअलिज्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया. तो इंडिविजुअल को एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है. पास्ट में वीकर सेक्शन का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था, लेकिन आज वेलफेयर स्कीम्स हम ला रहे हैं पुराने लोगों के लिए, सॉरी वल्नरेबल सेक्शन के लिए. तो आप कैसे कह सकते हो कि वैल्यू में इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है? पास्ट में क्या होता था, वीकर सेक्शन का डिस्क्रिमिनेशन. वीकर सेक्शन ये स्लेव्स का कल्चर था, विमेन को राइट्स नहीं मिलते थे, विमेन को प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया जाता था. ठीक है, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं उन्हें सोसाइटी उनका मजाक उड़ाती थी. तो ये सब है. एक्सेप्शन क्या है पास्ट का? इंडिया में जैसे वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट है, ग्रीक में सिनिसिज्म का कॉन्सेप्ट है, ये काफ़ी एडवांस्ड कॉन्सेप्ट थे. ठीक है, ये एक्सेप्शन है बस. ह्यूमन कंडक्ट ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट, तो देखो एवरेज ह्यूमन कंडक्ट तो सेम ही रही है, चाहे पास्ट हो चाहे प्रेजेंट हो. अगर आप सोसाइटी को उठा के देखोगे, उनके 100 लोगों को, तो 5 लोग उसमें मॉरल निकलेंगे, 5 लोग इमॉरल निकलेंगे, और 90 लोग जो होंगे जिनमें एवरेज मॉरलिटी होगी. तो ऐसा बेल कर्व ही बनेगा. ये पहले भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है हर एक सोसाइटी में. लेकिन आज क्या है, टुडे द एक्सटेंट या फिर पोटेंशियल ऑफ डूइंग गुड या फिर बैड टू सोसाइटी हैज़ रीच टू वेरी हाई लेवल. अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो तो वो भी कर सकते, बहुत अच्छा कर सकते हो. कुछ बुरा करना चाह सकते हो तो वो बहुत बड़े स्केल पे कर सकते हो आप, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी आ गई है, IT रेवोल्यूशन हो गया है, सोशल मीडिया है, तो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे इम्पैक्ट कर सकते हो आप. तो एवरेज ह्यूमन कंडक्ट इम्प्रूव्ड ओवरऑल, बिकॉज ज़्यादातर कंट्रीज़ ने डेमोक्रेसी अडॉप्ट की हुई है, प्लस इन ह्यूमन प्रैक्टिसेस जैसे कि सती, स्लेवरी, ये सब घट गई है. तो ऑन एन एवरेज आप तो यही बोलोगे ना कि सोसाइटी में मॉरल प्रोग्रेस हुई है.
लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, मॉरल प्रोग्रेस नहीं हुई है। फॉर एग्जांपल हिंदू माइथोलॉजी, जिसका कहना है कि अभी कलयुग चल रहा है, लियो टॉल्स्टॉय हैं, उनके भी अकॉर्डिंग ऐसा है कि मॉरल प्रोग्रेस घटी है। अब वैल्यूज़ पे आ जाते हैं, तो दो टाइप की वैल्यूज़ होती हैं। इफ़ वी इंटरनलाइज पॉजिटिव वैल्यूज़ तो उनको वर्च्यूज़ कहते हैं, और अगर हमने नेगेटिव वैल्यूज़ को अपने आप में इंटरनलाइज़ कर लिया तो उन्हें वाइसेस बोलते हैं। वाइसेस जैसे कि ग्रीड, कॉवर्डिस, सेवन सिंस, ये वाइसेस कहलाएंगे। वर्च्यूज़ क्या होते हैं? वर्च्यूज़ आर वैल्यू विच आर इंटरनलाइज्ड, दैट इज़ वो वैल्यू जो कि हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा अगर बन गए तो उनको आप वर्च्यूज़ बोलोगे। ठीक है, तो वैल्यू जब तक बाहर हैं तब तक वो वैल्यू हैं, जब तक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट बाहर हैं वो वैल्यू हैं, और जब वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ह्यूमन के अंदर घुस गए, दिमाग में बैठ गए, तो वर्च्यूज़ बन जाएंगे। तो फोर कार्डिनल वर्च्यूज़ हैं, CWJT, दैट इज़ करेज, विजडम, जस्टिस और टेम्परेंस। ठीक है, सोक्रेट्स के अकॉर्डिंग एक ही वैल्यू थी, विजडम है अगर आपके पास तो सब कुछ है, बाकी सब कुछ उसी का सबसेट है। विजडम मतलब किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। और प्लेटो जो है, प्लेटो ने इसको ब्रेक करके बोला नहीं चार वैल्यूज़ हैं, तो हम वो चार वैल्यू देखेंगे, करेज, विजडम, जस्टिस, टेम्परेंस। करेज यानी साहस, विजडम यानी एबिलिटी टू नो कि सही क्या है, गलत क्या है, क्या अप्रोप्रिएट है, क्या इनअप्रोप्रिएट है, अगर इतनी समझ हो जाए तो दिस इज़ सफिशिएंट। ठीक है, उससे आपको पता चल जाएगा किस सिचुएशन में करेज रखनी है, कैसे जस्टिस करनी है, कैसे सेल्फ कंट्रोल रखना है। जस्टिस की बात करें, जस्टिस का मतलब टू बी अनबायस्ड बाई बीइंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है, टेम्परेंस का मतलब है सेल्फ कंट्रोल, कंट्रोल ऑन डिज़ायर्स। डायमेंशन ऑफ एथिक्स, तो एथिक्स में क्या है, तीन ब्रांचेज हैं, नॉर्मेटिव एथिक्स, अप्लाइड एथिक्स और मेटा एथिक्स। नॉर्मेटिव एथिक्स मतलब प्रिस्क्रिप्शन दी जा रही है, ठीक है, प्रिस्क्राइब किया जा रहा है। अप्लाइड एथिक्स यानी एथिक्स को आप अप्लाई करते हो स्पेसिफिक एरियाज़ में, एडमिनिस्ट्रेटिव, स्पोर्ट्स, बिजनेस एथिक्स। मेटा एथिक्स इज़ अबाउट मीनिंगफुलनेस ऑफ एथिकल स्टेटमेंट्स, तो भी देखते हैं। नॉर्मेटिव एथिक्स यानी जो प्रिस्क्रिप्शन दी जाती है, तो ये तीन टाइप की है, डीओंटोलॉजी, टीलियोलॉजी और वर्च्यू एथिक्स। डीओंटोलॉजी क्या कहती है, रूल्स आर एब्सोल्यूट, रूल्स ही मानने चाहिए, ठीक है, रूल्स फॉर द सेक ऑफ रूल्स, उसमें कुछ नहीं कि ह्यूमन का इंटरेस्ट है तो रूल को मॉडिफाई कर दो, ह्यूमन सेंटर में है, ह्यूमन इंपॉर्टेंट है, वो मानते हैं बस रूल्स ही फॉलो होने चाहिए, रूल्स आर एब्सोल्यूट। और डीओंटोलॉजी में मानते हैं इमैनुअल कांट। टीलियोलॉजी की बात करें तो वो ये बोलता है कि नहीं, रूल्स किसके लिए बनाए गए हैं, भाई लोगों के लिए बनाए गए हैं ना, रूल्स आर नॉट फॉर द सेक ऑफ रूल्स। तो ह्यूमन वेलफेयर के लिए अगर रूल को चेंज भी करना पड़े तो इट्स ओके, आपको बस यूटिलिटेरियनिज्म इंश्योर करना है कि मैक्सिमम गुड हो जिसमें। तो टीलियोलॉजी को जे एस मिल मानते हैं, जो कि ये कहते हैं कि रूल्स चेंज हो जाने चाहिए अगर वो ह्यूमन इंटरेस्ट को सर्व कर रहा है। वर्च्यू एथिक्स स्पा SPA, दैट इज सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल। टू हैव एथिकल सोसाइटी वी नीड टू डेवलप वर्च्यूज़ इन न्यू जनरेशन। वर्च्यू एथिक्स ये कहता है कि हमें सोसाइटी को एथिकल रखना है और उसके लिए जो नई जनरेशन आएगी उसमें वर्च्यूज़ डालने हैं। और वर्च्यूज़ क्या है, वही फोर कार्डिनल वर्च्यूज़, CWJT, करेज, विजडम, जस्टिस, टेम्परेंस। अप्लाइड एथिक्स जैसा बताया कि जब नॉर्मेटिव एथिक्स तो प्रिस्क्रिप्शन आ गई, अब जब इन एथिक्स को आप रियल लाइफ में स्पेसिफिक एरियाज़ में लगाओगे, एडमिनिस्ट्रेशन में लगाओगे एथिक्स को तो एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, स्पोर्ट्स के अलग एथिक्स होते हैं, बिजनेस के अलग एथिक्स होते हैं। बिजनेस के एथिक्स में क्या है, प्रॉफिट शुड बी प्रायोरिटी। एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स अलग होंगे, स्पोर्ट्स में एथिक्स स्पोर्ट्समैनशिप से रिलेटेड हो सकता है, तो अलग अलग जगह के अलग अलग एथिक्स हैं। मेटा एथिक्स जो है वो 20th सेंचुरी में जी मूर ने डेवलप किया था, और ये इस चीज़ से रिलेटेड है कि एथिकल स्टेटमेंट की मीनिंगफुलनेस को ये जज करता है। दैट इज़ कोई मॉरल स्टेटमेंट्स है तो उसको एनालाइज करना कि क्या वो मॉरल स्टेटमेंट को आप वेरीफाई कर भी सकते हो या नहीं। फिर आ जाएगी अगली चीज़, एक टॉपिक है ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो इसमें क्या है कि लेसन्स फ्रॉम लाइफ्स ऑफ ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स और उनकी टीचिंग्स। तो जैसे स्वामी विवेकानंद हैं, गांधी जी हैं, इन लोगों ने क्या क्या कोट्स दिए हैं, इनकी लाइफ से हम क्या क्या सीख सकते हैं, ये सब है इसमें। तो फेमस लाइन बाय गांधी जी, विवेकानंद जी, ये सारी चीज़ें।